ये मैं पूरा मार्केट सर्वे करके फिर इस लाइन चाहिए बीजन के टाइम पर यह जी है तकरीबन अप्रैल और मई के महीने बीजी जाती है और फरवरी के महीने पुटी जाती है बच्ची सुखाया जाता बॉयल होने तो बाद धुप सुखाया जाता भी पच्ची दिन लगते धुप सुकन तो उस तो बाद फिर इनू छिलका और जड़ा उतारिया जा मशीन ने उतारनिया मैं ये एक लख रुपया इनाम भी रखा मैं अपने जोड़े प्रोडक्ट है वो पूरा माण है मैं कोई मिलावट करता नहीं मार्केट के भी है इस तो अलावा जोड़ा मैं एक कंटेनर अमेरिका भी भेज चुका अगाम भी साड़ी गलबात चल रही है उम्मीद है सानू फिर ऑर्डर मिल जाए। सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम से। दस दिए कि गुरदासपुर के इलाके धारीवाल के रहने वाले सबका BSF जवान चंचक सिंह जो कि नौकरी तो बाद हल्दी की खेती का काम शुरू किया है वह किसान लिए एक वक्री मिसाल लेके आए ने। अंकल जी दस की ना अपना केड़ी जगह हैगी है जरा हल्दी का कारोबार कर रहे हो कितों शुरू किया हूँ कितने पहुंच गए। मैं 13 साल पहला तो शुरू किया काम ते 3 किले तो शुरू किया 65 किले तक पहुँच गया 50-60 किले जमीन जी है मैं ठेके से लैके जमीन बीजदा रहा अपनी जमीन मेरे को 5 किले ही है पर मैं ठेके से लैके तो इन्नी क जमीन बीजदा रहा हूँ लोग बीजन लग गए मैं उन्होंने को खरीद लेना। नाम की अपना के केड़ा पिंड है? मेरा नाम चैंचल सिंह है पिंड मेरा लेल है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है धारीवाल के नज़दीक है। हल्दी फिर अंकल जी पूरी तैयार करके भेज दो पैकिंग भी भेज दो हल्दी की? हाँ जी बिल्कुल जी पाउडर बना के बकायदा एग मार्क है FSSAI वाले की परमिशन है सारा कुछ है। हल जी खेती है शुरू तो खेती करते रहे से या फिर किसी ना सलाह वगैरह करके बाद में करनी शुरू की थी? ये मैं पूरा मार्केट सर्वे करके फिर इस लाइन चाहिए जी। कितना का प्रोसेस है अंकल हल्दी बीजन तो लैके हल्दी पैकिंग तक की प्रोसेस है पूरा दस दो। बीजन के टाइम पर यह जी है तकरीबन अप्रैल और मई के महीने बीजी जाती है और फरवरी के महीने पुटी जाती है उस तो बाद जी प्रोसैसिंग करने वास्ते टाइम लगता इनू पहला धुप के सुखाया जाता बॉयल होने तो बाद धुप सुखाया जाता 20-25 दिन लगते धुप सुकन तो उस तो बाद फिर इनू छिलका और जड़ा उतारिया जाती वो भी मशीन ने उतारनिया इस सारी मशीनरी मेरे को मौजूद है यदी हरेक चीज़ का जोड़ा ध्यान रखा जाता जिद ये विजले जोड़े कंटेंट है वो खराब ना डिस्ट्रॉय ना हो मैं ये 1 लख रुपया इनाम भी रखा मैं अपने जोड़े प्रोडक्ट है वो पूरा माण है मैं कोई मिलावट करता नहीं तो वैसे भी लोगों ने इनू बहुत ज़्यादा पसंद किया मैं एक दफा अमेरिका भी इनू भेज चुका। प्रोजेक्ट पूरे से कितना का खर्चा आ गया? 75 लख रुपया है जमीन तो अलावा जमीन मेरी जद्दी है तो उपर मशीनरी प्लस कंस्ट्रक्शन के उत्ते 75 लख रुपया स्टार्टिंग मेरा खर्च हो फिर ट्रांसफार्मर छोटा महसूस होया मैं मशीनरी वड्डी लानी पई एक होर पीसन वाली वो करके फिर ट्रांसफार्मर का खर्चा फिर दोबारा वड्डा ट्रांसफार्मर लवाया मशीनरी ली 8 लख मेरा पिया वो खर्च हो गया। इन्ना सारा खर्चा करके फिर जो खर्चा करने तो बाद काम शुरू किया फिर दिक्कत आई रिकवरी में कि समा लग गया? हाँ जी टाइम देखो जी हरेक काम के परेशानियाँ पहला स्टार्टिंग तो होंगे ने पर चलो मालिक ने मेहर की वो सारिया ऑब्सटिकल जिन्हें से सारे मैं क्लीयर करके अज इस लैवल पर समान अपना कितने कितने सप्लाई हो रहा है समय मार्केट के भी है तो इस तो अलावा जोड़ा मैं एक कंटेनर अमेरिका भी भेज चुका अगाम भी साड़ी गलबात चल रही है उम्मीद है सानू फिर उतो ऑर्डर मिल जाएगा। तुसी शुरू तो खेती करते कि पहले कोई जॉब भी की? पहला मैं PAP भर्ती होया सी उस तो बाद जो स्टेटा अलग हुई तो PAP तो BSF बन गई फिर मैं BSF दे 23 साल सर्विस करके वॉलंटियर रिटायरमेंट आया उस तो बाद मैं खेती के काम च पिया। की संदेश देना चाहते हो बाकी किसानों को? मैं तो कहूँगा कि कोई भी काम जरा करन तो पहला वह सर्वे पूरा कर लिया जाए तो जिहड़ियां रवायती फसलों ने उन्हां तो थोड़े हट के जिहड़ियां दूजियां फसलों ने उन्हां च भी मोटा प्रॉफिट हैगा जे आपां ठीक ढंग दे नाल उहदा मार्केट का दूसरा तीसरा सारा असैसमेंट करके चलीए तो फिर सानूं उहदे चों लभ सकदा काफ़ी कुछ।
उन्होंने दस्या कि उन्होंने 3 किलियां च काम शुरू किया सी ते अज 60 किलियां च लखां रुपए कमा रहे ने। उन्होंने दस्या कि जदों शुरू शुरू च उन्होंने यह काम स्टार्ट किया सी तां इसकी इन्नी ज्यादा मंग नहीं सी ते उन्होंने हल्दी नूं तैयार करके नहीं सी बेचते, पर जदों उन्होंने देखा कि मार्केट च इसकी मंग बहुत ज्यादा है तो उसने हल्दी की खेती करनी शुरू कर दी ते वेचना स्टार्ट कर दिता। उन्होंने दस्या कि अमरीका च उन्होंने एक कंटेन भेजा है जिसकी गल अज भी चल रही है, वह लखां किसानां लई एक मिसाल बने ने। उन्होंने दस्या कि जदों उन्होंने शुरू शुरू च काम स्टार्ट किया सी तां उन्होंने लखां औंकड़ां दा सामना करना पिया ते अज